हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुस्कान और मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा गोरी हो जाएगी। पहली टिप में हम स्क्रब बनाएंगे, दूसरी टिप में हम मास्क बनाएंगे और तीसरी टिप में हम नाइट क्रीम बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले स्क्रब बनाते हैं। स्क्रब बनाने के लिए हमको सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लेंगे हनी। तो आप किसी भी ब्रांड का हनी यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ रॉ और अनफिल्टर्ड, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लेंगे एक ऑरेंज। उसके बाद फ्रेंड्स हम लेंगे एक लेमन। आप लेमन लीजिए या लाइम लीजिए, दोनों में ही स्किन को गोरा करने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लेंगे शुगर। शुगर बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना स्क्रब बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। नेक्स्ट हम लेंगे फ्रेंड्स 2 टीस्पून ऑफ हनी। हनी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये स्किन को नरिश करेगा, उसको सॉफ्ट करेगा और उसको गोरा करने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब हम लेंगे ऑरेंज। ऑरेंज में भी बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो कि आपकी स्किन को वाइट करने में हेल्प करते हैं। जब ऑरेंज हनी के साथ मिक्स हो जाता है तो इनकी जो गोरे करने की पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स अब आप इसको हल्का सा मिक्स कर लीजिए और मैं आपको इसमें आज लाइव डेमो दूंगी। आप देखिएगा मेरे हैंड्स के कलर, फोर एंड आफ्टर आप पूरा देख सकते हैं। तो इसके लिए आप लेमन लेंगे, हाफ अपना लेमन जो कट किया है, या लाइम, और उसको अपनी स्किन पे रब करेंगे, उसमें मिक्सचर में डिप कर करके। तो आप लेमन को लीजिए और उसको मिक्सचर में डिप करिए और उसको बाद अच्छे से अपने स्किन पर रब करिए फ्रेंड्स। ये आपको मसाज करना है फॉर 25 मिनट्स। 25 मिनट्स फ्रेंड्स, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए सारे इन्ग्रीडियंट्स और प्रोसेस। 25 मिनट्स तक आपको उसमें डिप कर करके अपने हैंड्स पर स्क्रब करना है फ्रेंड्स। अपने नेल्स पर स्क्रब करना ना भूलें, क्योंकि नेल्स पे बहुत अच्छे से आपके शाइन आ जाएगी। आप अपने शुगर और हनी मिक्सचर में आप लेमन को डिप करें और उसको अपनी स्किन पे अच्छे से स्क्रब करें। जब लेमन, ऑरेंज और हनी आपस में मिक्स होंगे तो आपकी स्किन की वाइटनिंग पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने सारा अच्छे से क्लीन कर लिया है अपने हैंड को और मैं आपको अभी कंपेयर करके दिखाती हूँ दोनों के दोनों हैंड्स अपने। ये हमारा पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है, ड्राई कर लिया गया है। अब आप कंपेयर करके देख लीजिए कि वो वाला हैंड कितना ज़्यादा हमारा लाइट हो गया है। अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे फ्रेंड्स तो आपकी स्किन लाइट होती चली जाएगी। आप इस स्क्रब को एवरी ऑल्टरनेट डे यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ स्क्रब है फ्रेंड्स, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो इसमें बहुत ही कमाल के इंग्रेडिएंट्स हैं और आपकी स्किन काफ़ी हद तक गोरी हो जाएगी। सेकेंड टिप हमारी फ्रेंड्स, अब हम मास्क बनाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने स्किन पे ये मास्क को लगाएं, क्योंकि इससे आपकी स्किन और भी ज़्यादा वाइट होगी और इससे आपकी स्किन निखर निखर के आएगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें चाहिए बेसन या ग्राम फ्लावर। नेक्स्ट हमको इसके लिए चाहिए सैंडलवुड पाउडर, इसे चंदन का पाउडर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लेंगे रॉ मिल्क। रॉ मिल्क में बहुत से अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को वाइट करते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे राइस फ्लावर, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्किन को बहुत वाइट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा है हल्दी या टर्मरिक पाउडर और हम लेंगे एक लाइम या लेमन। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जल्दी से एक मास्क बनाते हैं जो आप अपने हैंड्स पे या फीट पे या फेस पे आसानी से लगा सकते हैं।
तो सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ बेसन, नेक्स्ट हम लेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ सैंडलवुड पाउडर, फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लेंगे इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ राइस फ्लावर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको किसी भी इंडियन स्टोर से मिल जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लेंगे 1/4 टेबल स्पून ऑफ हल्दी या टर्मरिक पाउडर। इन सारे पाउडर्स को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए फ्रेंड्स। अब हम इसमें मिक्स करेंगे अपना लाइम या लेमन, जो भी आपको मिल जाए मार्केट में आप वही ले लीजिए। दोनों में बहुत ही अच्छी पावर होती है स्किन वाइटनिंग की। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस निकालेंगे। अब आप इस मिक्सचर को अच्छी से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम इसमें रॉ मिल्क मिलाएंगे। रॉ मिल्क अनपैश्चराइज्ड मिल्क होता है और इसमें स्किन वाइटनिंग पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। यह आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। तो फ्रेंड्स हमको इसके लिए चाहिए 4 टेबल स्पून ऑफ रॉ मिल्क। इसमें थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जिससे कि आपके हाथों पे या फेस पर या फीट पर आप आसानी से इसको लगा सकें। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके स्मूथ पेस्ट में बना लीजिए। ये मिक्सचर आप हफ्ते में 2 बार यूज करेंगे फ्रेंड्स, वीक में 2 टाइम्स आप इसको यूज कर सकते हैं। या तो आप इसको सुबह लगा लीजिए अपना काम ऑफिस जाने से पहले, या आप इसको शाम को लगा लीजिए वापस आने के बाद, जब भी आपको कन्वीनियंट हो। यह आपका सन टैन भी हटाएगा। तो फ्रेंड्स अब ये पूरा हमारा मिक्सचर मिक्स हो गया है अच्छे से, और अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगी किस तरह से ये मिक्सचर आपके स्किन को गोरा करेगा। अभी मैंने पहले अपना मिक्सचर लगाया था, उससे मेरा स्किन काफी वाइट हो गई थी। अब देखते हैं इससे मेरी स्किन और कितनी वाइट होती है। तो इसको आप अच्छे से सब जगह फैला लीजिए, और इसको अच्छे से लगाते वक्त भी मसाज करें अपने हैंड पर। आप इसको लगाने के बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताऊंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ ज़रूर ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आप मेरे अमेजिंग वीडियोज़ को मिस करें। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ जगह से, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप कोई भी टिप को मिस ना करें। तो इसको मैंने पूरे हैंड पर अच्छे से लगा लिया है, मैं सारे एरियाज कवर कर लिए हैं, जिससे कि पूरा ये जो मैंने लगाया है आप अच्छे से देख सकें। अब मैं इसको ड्राई होने के लिए वेट करूंगी। अब ये मेरा पूरा ड्राई हो चुका है फ्रेंड्स, तो अब मैं इसको वॉश कर दूंगी। तो मैंने बोल में पानी लिया है, अगर आप हल्का गुनगुना पानी लें तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि आप आसानी से इसको क्लीन कर सकें। क्योंकि जब ये ड्राई हो जाता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको हाथ पर से हटाने के लिए, पर आप थोड़ा थोड़ा स्क्रब करेंगे तो ये निकल आएगा। इसके अंदर जितने भी हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं सब में बहुत ही वाइटनिंग पावर है, और जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो ना सिर्फ आपकी स्किन को वाइट करते हैं फ्रेंड्स, बल्कि उसको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करते हैं। कई बार मार्केट में जो वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं वो स्किन को ड्राई करते हैं, जिससे आपको झुर्रियाँ बहुत आसानी से पड़ जाती हैं, पर ये जो होममेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनसे रिंकल्स नहीं आते हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, और ये आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बोलूँगी कि आप कोई मार्केट से ऐसा सामान यूज़ ना करें अपनी स्किन पर जिनमें केमिकल्स हों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैंने पूरा अच्छे से अपने हैंड क्लीन कर लिया है, तो अब मैं आपको अपना देखती हूँ कि इसमें कितना वाइट हुआ है। स्किन मेरी काफ़ी सॉफ्ट फील हो रही है, और आप देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इसको ड्राई कर लिया अपने हैंड को, तो आप देखिए इसमें कितनी ग्लो आ गई है।
ये बहुत ही ग्लोई स्किन लेकर के आता है। इसमें जो टर्मरिक पाउडर है वो कमाल कर देता है। देखिए फ्रेंड्स कितना डिफरेंस है। अब मैं आपको थर्ड टिप बताऊंगी फ्रेंड्स, इसमें मैं नाइट क्रीम बनाऊंगी। ये क्रीम को आप रेगुलरली यूज़ करें, एवरीडे शाम को आप लगाएं इस क्रीम को, तो इससे आपकी स्किन हमेशा के लिए वाइट हो जाएगी। इसके लिए फ्रेंड्स हमको चाहिए विटामिन ई कैप्सूल, तो हम विटामिन ई कैप्सूल लेंगे। अगर आपको विटामिन ई कैप्सूल नहीं मिलता है तो आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है सैंडलवुड पाउडर, और नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है कोकोनट क्रीम। कोकोनट क्रीम मेरे पास बहुत ही थिक वाली है, तो आप मार्केट में जाइए, आपको देखिए अगर आपको थिक वाली मिल जाती है तो, वरना आपको रेगुलर कोकोनट क्रीम मिलती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर होममेड हो तो ज़्यादा बेटर है। तो हम फर्स्ट लेंगे 1 tablespoon ऑफ सैंडलवुड पाउडर या चंदन का पाउडर। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 2 tablespoon ऑफ कोकोनट क्रीम। ये कोकोनट क्रीम बहुत ही ज़्यादा स्किन अच्छी स्किन वाइटनिंग एजेंट होती है फ्रेंड्स, तो हम इसीलिए इसको यूज़ कर रहे हैं। विटामिन ई कैप्सूल आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश करेगा, आपको हमेशा के लिए आपकी स्किन को जवान रखेगा। आपके हाथ पे बिल्कुल भी या फेस पे रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। आप विटामिन ई कैप्सूल अपनी हर फेस इंग्रेडिएंट्स में प्लीज़ यूज़ करें, स्पेशली उनमें जो आप हमेशा यूज़ करते हैं, ज़्यादा देर तक लगी रहती है ये क्रीम। आप पूरी रात लगा के रखेंगे तो विटामिन ई आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश करेगा। तो कैप्सूल को कट करके उसमें से जितना भी लिक्विड निकलता है वो आप इस मिक्सचर में डाल दीजिए, और अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी अच्छी से बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी, क्रीम वाली कंसिस्टेंसी बन जाती है। आप इसको डेली रात में अपनी स्किन पर लगा करके आराम से सो सकते हैं। रात भर ये आपकी स्किन को नरिश करेगा और आपकी स्किन को वाइट करेगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप इसको स्टोर कर सकते हैं 2 weeks के लिए अपने रेफ्रिजरेटर में। तो हमने सारे आज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं फ्रेंड्स, आप प्लीज़ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करें, और आप हमें कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।